वाकई में गाइस बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है, जानवर पता नहीं चल रहा है। और ये मेरे घर में भी आ गया था, उसका मुंह भी चपटा है एकदम। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं लोग और इसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। इसका पैर भी बहुत छोटा छोटा है, पूंछ बहुत बड़ा है और इसका आंख जो है वो बंद है अभी। आए दिख रहा है री, आपको जाने दीजिए पेट की तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मेरे घर आके छू रहा है। और यहाँ पे नीचे करो कैमरा रखिए, ये जो है तो दोस्तों आप सब कैसे हो। और आज आप लोगों को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता था। तो मम्मी और मेरी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा कहानी सुनाती थी, तो अभी जो है वो टाइम उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो थैंक गॉड मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप मिला है जिसका नाम है प्रतिलिपि, जो यहाँ पे आपको 3 करोड़ रीडर्स और 50 लाख ऑनलाइन स्टोरी भी मिलेंगे। इसमें 12 डिफरेंट लैंग्वेज में भी कहानियाँ अवेलेबल है और इसमें जितना भी कहानियाँ हैं वो बिल्कुल मुफ्त में आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल होगा। इसमें अलग अलग कहानियाँ का जैसे कैटेगराइज में बटा हुआ है, जैसे कि थ्रिलर हो गया, कॉमेडी चीज़ें। मेरा जो पर्सनली है वो थ्रिलर और रोमांस स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बिना देरी किए आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके फटाफट डाउनलोड कीजिए। और अब कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं आपके जेबों में होगी। तो चलिए चलते हैं, लव यू, वीडियो की तरफ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, काफ़ी दिनों से ऐसा डर सा लग रहा था और अचानक से क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे ही एडिटिंग कर रहा था वीडियो को, और अचानक से क्या हुआ कि पैर जो है मेरा लगा कि कोई काटने आ रहा है। तो मैं झटाक से देखा तो उसके बाद से अचानक से मुझे बिल्ली भी नहीं हुआ, काला कलर का जो बिल्ली होती है वैसा टाइप का मुझे लगा। तो आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिए, इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। और बहुत ही ज़्यादा डरावना था लास्ट नाइट, और मम्मी चली गई थी गांव, मतलब है, और उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मम्मी भी कुछ गांव पे कर रही है। लेकिन पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और थैंक यू सो मच, और आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए और वो आप लोग बताइए कि आप लोगों की ऐसा कुछ देखे हैं कि नहीं। चलिए चलते हैं वीडियो को आगे देखिए। तो आज आप क्या बना रही हैं यहाँ पर, जबकि हम लोग गांव पर आ गए हैं? हेलो गाइस, चना का दाल और चावल का आटा का ये पीठा हम बना रहे हैं। यहाँ पे हम पिसवाए हुए थे आटा, तो उसी का बना रहे हैं आज। चना का दाल ये भिगोए हुए थे और इसमें डाले हैं हरा मिर्चा, लहसुन, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डलाया है। और ये चावल के आटा गर्म पानी से गूंथे हैं और बना रहे हैं इसको। इस बार इसका मुंह खोल के बन रहा है ये, और बन जाएगा तो भी दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए सब बना कर रख रहा हूँ। और छोटा छोटा पीस का लोइया ले रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा है। रोटी का लोइया के बराबर है। और ठंडा के समय में यही सब अच्छा लगता है, हम लोग खाते हैं, लिट्टी खाते हैं और ये सब खाते हैं, अच्छा लगता है। आपको भी बनाइए, खाइए। चावल का आटा का है ये, जो हम लोग चावल खाते हैं उसी का है, मिक्सी में पीस के बन रहा है। देखिए गाइस, हाथ से ही इसको हम बड़ा कर ले रहे हैं, कोई बेलन चौकी का काम नहीं है। इसी तरह बनता है, आप लोग भी बनाइए, ज़्यादा कोई इसमें मेहनत नहीं है। इसके बाद इसको फ्राई कर दीजिएगा। इसमें आप क्या क्या मिलाई है इसमें? इसमें हम चना का दाल इसमें किए हैं, लहसुन, मिर्चा। चना का दाल 4-5 घंटा फुला दिए थे, फूल गया था, तो इसको पीस दिया है मिक्सी में। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा ही रहेगा।
तब उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन मिर्चा यही डलाया है, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है ये, हम लोग खाते हैं इधर चटनी के साथ खाते हैं। चटनी बना रहा है टमाटर का। और गांव पे अब हम आए हुए हैं, गांव पे कल थे सिवान, तो शनिवार है तो हम आ गए हैं घर पे, यहाँ पे भी कुछ काम है तो देखना जरूरी है, और कल और आज यहाँ रहेंगे। बने रहिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस आप ये देख सकते हैं कि पानी का इसका बॉयल होने लगा, उबाल आ गया है पानी में। तो यहाँ पे मेरे पास मोमोज का बर्तन नहीं है, तो ये चलनी है, इसमें हम ये इसको रखेंगे एक एक करके, इसमें हम इसको रख देंगे। भाप से बना रहा है इसको, देखिए बस पांच फोट रहा है। अब इसको ढक देंगे बड़ा सा प्लेट से, ढका गया, बस हो गया, बॉयल हो रहा है, तब तक और सब बना ले हम। देखिए बॉयल हो गया है, इसको अभी पलटना है, उस पे हाथ चलेगा इसलिए यहाँ नीचे से इसको पलट रहे हैं, उलट पलट कर देंगे इस तरफ करके हो जाए। ठंडा का टाइम है तो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो बाद में हाथ जल जाएगा इसको, आप चम्मच द्वारा या चिमटा द्वारा पलटिए, फिर थोड़ा देर होगा। इसी तरह हो गया है, देखिए निकाल चुके हैं, कितने अच्छे हुआ है, देखिए बहुत अच्छा हुआ है, सब बहुत अच्छा इतना हो गया है, ठंडा भी हो गया है ये काले। और काट के इसको तल दीजिए, और तल फ्राई करके तब खाइए, या इस तरह भी आप खा सकती हैं। अब चटनी बनाने के लिए तावे को भूने हैं, ये हम लोग दो आदमी हैं, ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम तावे पर टमाटर भून लिए हैं, मिर्चा, इसमें लहसुन और थोड़ा सा अदरक। गाइस यहाँ पे मिक्सी नहीं है तो सील पे जा रहा है इसको पीसी में। सो गाइस ये चटनी का था, टमाटर का जो चटनी हम भूने थे तवे पे, और थोड़ा सा अदरक डाले हैं इसमें, ज़्यादा नहीं पर छोटा सा टुकड़ा डाले। और यहाँ पे देखिए हम सील पे पीस रहा है, का चटनी बहुत टेस्टी भी होता है, यहाँ मिक्सी भी नहीं है इसलिए इसी से पीसता है, काम चल जा रहा है। अच्छा लग रहा है तो इसका चटनी बहुत टेस्टी होता है, ओरिजिनल हो गया है। वाकई में गाइस बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है अब, और ये मेरे घर में भी आ गया था, उसका मुंह भी चपटा है एकदम, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं लोग और उसको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। इसका पैर भी बहुत छोटा छोटा है, पूंछ बहुत बड़ा है, और इसका आंख जो है वो बंद है अभी। आए दिख रहा है री, आपको जाने दीजिए पेट की। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मेरे घर में आगे ये चूड़ा है, और यहाँ पे नीचे करो कैमरा एथिया, ये जो है
पता नहीं कौन सा जानवर है गाइस, आप लोग प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ज्यादा डरावना है ये, छलांग लगा दी है। अब इसको हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबा इसका पूंछ है। कौन सा जानवर है प्लीज़ आप लोग बताइएगा। देखने जो अभी वहाँ पे है। अरे तू मुंह का घुसा रहा है अपना कि लाइट कैसा दिखा रहा है जी। दो दो वो देख सर एकदम छोटा। हां जैसा भी है तो जब दौड़ रहे थे एकदम बड़ा हो जा रहा है अंधेरा थोड़ा सा। सर बिल्ली का ऐसा मतलब मूड होता है नहीं देखे गाइस। ये आप लोग बताइए कि क्या है, और अभी तक ये निकला नहीं है। इसका मुंह जो है ना बहुत ही ज्यादा चोक मतलब पतला सा एकदम अंदर बाहर की तरफ है, पूंछ ही पतला है और पूंछ भी पतला ही पतला एकदम। अरे उसको उसको ना ऊपर से खोद दो, अब निकालो उसको आज। एक आइडिया बोलो, एक रोटी ले पटाखा फेंक दे के अंदर। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रतिलिपि ऐप है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, तो जल्दी जल्दी जाइए और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनिए। थैंक यू सो मच, और फटाफट डाउनलोड कीजिए लिंक के थ्रू। बाय बाय।